सवारी रुक करते हैं आज की मिट्टी का फोटो। भगवान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने राजेन्द्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। टीकमगढ़ जिले में भगवान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रवण कराई जा रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शहर के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भाषा बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भी चर्चा की। साथ ही गौवंश रक्षा हेतु सरकार के ध्यान आकर्षित किए। उन्होंने कहा गौ माता को विश्व माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बुंदेली भाषा को खास तौर पर बुंदेलखंड की जिलों में स्कूलों में पाठन किए जाने के लिए सरकार का ध्यान अपेक्षित करने को कहा। अंत में उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ की जनता ने अपने भाव और भक्ति से भगवान बालाजी और मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मैं टीकमगढ़ जिले की जनता का आभारी हूँ। टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज हम जो चाहू कि जब बुंदेली सोई अपनी स्कूल में पढ़ाई जान लगे तो अपन नीचे लाने साहब दो सब दौड़ के दीदी के सरकार तक पहुँच जाए। मैं प्रार्थना करूँ भैया, बुंदेली बहुत ही प्यारी भाषा है, हम कई देश में कहूँ ना लागू करो, पर बुंदेलखंड के जो जे 10-12 जिला हैं इनमें जो बुंदेली लागू कर दो, बुंदेली बहुत हम कई एक ही पाठ शुरू कर दो, लड़का बारे कम से कम नक कटा सीख तो जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।